हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज की मीडियम डिफिकल्टी लेवल की वोकैबुलरी देखने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड इज सक्सेसर, एंड यहाँ आपके लिए प्रोनंसिएशन में जो भी बोल्ड एंड येलो में है उसमें आपको स्ट्रेस देना है, तो इट विल बी सक्सेसर। इट्स अ नाउन। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है अ पर्सन और थिंग दैट सक्सीड्स अनदर। सो एक ऐसी चीज़ या पर्सन जो दूसरे को सक्सीड करेगा, मतलब उसका या तो वारिस होगा, उत्तराधिकारी होगा। सो एक पर्सन से अगर दूसरे पर्सन की और पावर ट्रांसफ़र होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र होती है, या एक चीज़ का जो काम था अब वो दूसरी चीज़ को सौंपी जा रही है, तो जो दूसरी चीज़ है उसको आप सक्सेसर कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग इज़ अ वर्दी सक्सेसर टू आइजक न्यूटन। सो स्टीफन हॉकिंग क्या है, एक वर्दी सक्सेसर है आइजक न्यूटन के लिए। सो आइजक न्यूटन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशन पे बहुत काम किया था, एंड सिमिलरली स्टीफन हॉकिंग ने रिसेंटली ग्रेविटेशन पे बहुत काम किया था, तो इसीलिए उनको एक वर्दी सक्सेसर आइजक न्यूटन का कहा जाता है। द कंपनी विल अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर टू इट्स रिटायरिंग चेयरमैन एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो जो कंपनी है वो अनाउंस करेगी एक नए सक्सेसर के अपॉइंटमेंट को अपने रिटायरिंग चेयरमैन के लिए। सो इस कंपनी का चेयरमैन रिटायर हो रहा है तो उनको एक नया चेयरमैन ढूंढना है, तो वो अपॉइंट करेंगी सक्सेसर। सो क्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया, सक्सेसर। सेकेंड वर्ड इज कन्फाइन। सो कन्फाइन क्या है, इट्स अ वर्ब। सो कन्फाइन करना यानी टू कीप और रिस्ट्रिक्ट समवन और समथिंग विद इन सर्टेन लिमिट्स ऑफ। तो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को किसी एक स्पेस में रेस्ट्रिक्ट करके रखना, उसको कन्फाइन करना कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधित करना या सीमित करना। तो फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में आप देख रहे हो कि इस मंकी को एक केज में बंद करके रखा गया, तो दैट मंकी इज कन्फाइंड टू अ केज। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइन हिम। तो स्टीफन हॉकिंग एक पैरालिसिस के फॉर्म से सफ़र करते थे जिसकी वजह से वो कहाँ कन्फाइन हो गए थे, अपने व्हील चेयर में। सो उसे कन्फाइन करके रखा गया था बिकॉज ऑफ हिज पैरालिसिस, सो ही कैन नॉट मूव। He does not confine his message to high politics. So यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि that person does not restrict his message to high politics. So अपना message जो है वो सिर्फ politics तक वो confine या restrict नहीं करता। तो इसका मतलब आप अपने thoughts को या अपने message को किसी एक जगह पे restrict नहीं कर रहे हैं। Third is sentimental. It's an adjective. इसका मतलब है of or prompted by feelings of tenderness, sadness or nostalgia. तो या भावुक होना, जब भी आपके अंदर फीलिंग्स ऑफ टेंडरनेस है या सैडनेस है, नॉस्टैल्जिया, आप कहते हैं आप सेंटीमेंटल हो रहे हैं। एग्जांपल, शी फेल्ट अ सेंटीमेंटल अटैचमेंट टू द प्लेस वेयर शी ग्रू अप। सो उसे एक सेंटीमेंटल अटैचमेंट वाली फीलिंग आई उस प्लेस से जहाँ पे वो बड़ी हुई है। सो सेंटीमेंटल अटैचमेंट यानी भावुक कर देने वाला अटैचमेंट। शी सेव्ड हर वेडिंग गाउन फॉर सेंटीमेंटल रीजंस। तो उन्होंने अपना वेडिंग गाउन सेंटीमेंटल रीजंस की वजह से सेव करके रखा है, एंड यहाँ पे सेंटीमेंटल का मतलब क्या हो गया, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। तो आपने देखा कि या तो टेंडरनेस या तो सैडनेस या नॉस्टैल्जिक रीजंस, अगर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हो तो उसको आप सेंटीमेंटल कहते हैं, तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक हो रही है। फोर्थ, फ्रस्ट्रेटेड, इट्स एन एडजेक्टिव। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस एंड अनॉयंस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू चेंज और अचीव समथिंग। इसका मतलब निराश होना। सो ऐसा अपनी डिस्ट्रेस या अपनी अनॉयंस को फील करना या एक्सप्रेस करना, एंड ये डिस्ट्रेस और अनॉयंस, चिड़चिड़ापन या ये सैडनेस क्यों हो रही है आपको, क्योंकि आप किसी चीज़ को या तो चेंज नहीं कर पा रहे या तो अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है तब आपके अंदर जो सैडनेस या चिड़चिड़ापन होता है उस फीलिंग को आप फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। सो यहाँ पे इसको फ्रस्ट्रेटेड होना कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। Every so often, Stephen Hawking's eyes would shut in frustrated exhaustion. So, बहुत दफ़ा Stephen Hawking की आँखें बंद हो रही थी frustrated exhaustion की वजह से, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी उनको, एंड इस थकान की वजह से उनकी आँखें बंद हो रही थी frustration से। तो उनको थकान की वजह से frustration हो रही थी, एंड इस तरह के exhaustion को क्या कहा गया, frustrated exhaustion. Young students get easily frustrated with so many exams. So, जो young students है वो बहुत ज़्यादा easily frustrate हो जाते हैं इतने सारे एग्जाम्स की वजह से। फिफ्थ, एग्जॉशन। सो इसका प्रोनंसिएशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो इट इज़ नॉट एग्जॉशन, इट इज़ एग्जॉशन, एंड बहुत लोग इसको एग्जॉशन भी बुलाते हैं, बट इट इज़ नॉट एग्जॉशन, इट इज़ एग्जॉशन, एंड इट इज़ अ नाउन।
एग्जॉशन का मतलब क्या है? अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। सो एक्सट्रीम फिजिकल या मेंटल थकान अगर होती है आपको, तब आप उसको एग्जॉशन कहते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल टायर्डनेस, इट इज़ एक्सट्रीम टायर्डनेस। बहुत ज़्यादा थकान हो अगर आपको, तब आप उस स्टेट के लिए आप एग्जॉशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी सो ऑफन स्टीफन हॉकिंग्स आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। सो ये एग्जाम्पल हम पिछले फ्रस्ट्रेटेड एग्जाम्पल में देख चुके थे। ही वॉज पेल विथ एग्जॉशन। सो ही वॉज पेल विथ एग्जॉशन का मतलब कि उसका जो रंग है उतर गया था एग्जॉशन यानी थकान की वजह से। डॉज, इट्स अ वर्ब। डॉज करना यानी अवॉइड समवन और समथिंग बाय अ सडन क्विक मूवमेंट। सो किसी को अवॉइड करना, ये किसी चीज़ को अवॉइड करना बहुत ही अचानक और क्विक मूवमेंट से। अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं या किसी को अवॉइड करते हैं तो उसको डॉज करना कहते हैं, यानी चकमा देना या खिसक जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे मैनेज टू डॉज द रिपोर्टर्स बाय लीविंग थ्रू द बैक एग्जिट। सो उन्होंने, सो वो रिपोर्टर्स को डॉज करने में कारगर हुए बैक एग्जिट से निकलने की वजह से। डोंट डॉज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को डॉज मत करो यानी अवॉइड मत करो। सो ये बहुत ही पॉपुलर यूसेज है। अगर आप सुनेंगे कि अगर आपने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा और वो आपका डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं, या आप उनकी जगह पे हो, आप उनका आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा सकता है प्लीज़ डोंट डॉज द क्वेश्चन, आंसर डायरेक्टली। तो डॉज करना यानी अवॉइड करना। सेवेंथ, इररिलेवेंट। इररिलेवेंट इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब है नॉट कनेक्टेड विथ और रेलिवेंट टू समथिंग इमटेरियल। सो किसी चीज़ से अगर किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, या उस टॉपिक से या किसी चीज़ की बातें हो रही हैं, उस चीज़ से अगर उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसको आप कहते हैं इररिलेवेंट या इमटेरियल, बेतुका या विसंगत जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल है कि बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट है, इमटेरियल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ एक शेडो की केस की तरह एग्जिस्ट करती है। ही मेड एन इररिलेवेंट कमेंट। तो उसने एक इररिलेवेंट कमेंट बोला या पास किया। इसका मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ बोली जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था उस कॉन्वर्सेशन से या उस सिचुएशन से जहाँ पे उसने कमेंट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस वोकैबुलरी सीरीज के अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।